हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मेंदू वड़ा। हम काफ़ी बार बनाते हैं तो उड़द की दाल भिगो के बनाते हैं, लेकिन ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। एकदम इजी है। एक ही आलू लूँगी और एकदम बढ़िया से ये मेंदू वड़ा क्रिस्पी और एकदम झाड़ीदार बनेगा। तो एक बार आप ज़रूर से बनाना। लुक आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। खाना में इतना ही टेस्टी है। यम्मी कुक में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया है, इसके छिलके निकाल दूंगी मैं। तो पूरा मैं छिलका निकाल दूंगी। इसके बाद हम इसको कद्दूकस कर देंगे। तो यहाँ पे कद्दूकस करने के लिए मैंने बारीक वाली छीनी का उपयोग किया है, तो ये ले लेंगे हम। उसमें एकदम बारीक वाली निकलेगी। तो मैंने आलू का कद्दूकस कर दिया है, एकदम बारीक वाला। इसको मैं 2 से 3 पानी से धो लूँगी। तो यहाँ पे 2-3 पानी से हम धो लेंगे। अभी इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, 1/4 स्पून हम राई डालेंगे, 1/4 स्पून हम जीरा डालेंगे। उसके साथ हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। 2 मिर्ची मैंने ग्रीन वाली ली है, तीखी वाली, वो डाल देंगे कटिंग करके। इसको 2 मिनट तक हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें हमने जो आलू को कद्दूकस किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको हम 2 मिनट तक सौते करेंगे। तो यहाँ पे हम धीरे आंच पे ही सारा काम करेंगे। तो ये धीरे आंच पे करते रहेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम 1 कप सूजी लेंगे। तो यहाँ पे 1 कप सूजी मैंने ले लिया है। इसको भी हम 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसमें स्मेल नहीं आए तब तक। इसमें 2 कप हम पानी डाल देंगे ताकि एकदम बढ़िया से ये मिक्स भी हो जाएगा और लम्स फ्री बनेगा। तो ये ज़रूर से आप पानी माप से हिसाब से ही डाल देना। अभी इसके अंदर हम सारा मसाला डालेंगे। तो धनिया डाल दिया है मैंने, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी। 1/4 स्पून हम हल्दी ले लेंगे, 1/4 स्पून हम लाल मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको जब तक कढ़ाई नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो एकदम बढ़िया से इसका डो बन जाएगा। वैसे ही हमको इसको बनाना है, तो कढ़ाई छोड़े तक तक हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी कढ़ाई छोड़ने लगी है। तो वैसे ही हमको पूरा पकाना है एकदम बढ़िया से। तो ऑलमोस्ट ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये रेडी हो गया है। अभी इसको हम बाउल में निकाल देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन ये हेल्दी भी है। तो इसका हम गोला बनाएंगे। तो नींबू अकर का बनाएंगे और बीच में से हम हॉल लगाएंगे। वैसे ही सारा हम रेडी करके रख देंगे। अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो ये फटाक से आप बना सकते हो। इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हो। अभी हमने धीरे आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए और इसके अंदर सारे मेंदू वड़ा डाल दिए हैं। और धीरे आंच पे पहले करेंगे, उसके बाद फास्ट गैस पे करेंगे। तो ये मेंदू वड़ा रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।